नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट मूलिस पर। दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहा हूँ वो देश सबसे अलग है। एक ऐसा देश जहाँ के लोग मिंट टी पीना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इस देश का ज्यादातर हिस्सा सहारा रेगिस्तान से ढका हुआ है। एक ऐसा देश जहाँ आपको शराब का नामो निशान नहीं मिलेगा। और यह देश अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको अफ्रीका के एक खूबसूरत देश अल्जीरिया के बारे में एक से बढ़कर एक रोचक जानकारियाँ देने जा रहे हैं। साथ ही अगर आप सब हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सबसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें। वहीं दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले आपको बता दें कि अल्जीरिया का आधिकारिक नाम द पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया है। अल्जीरिया यूरोप और अफ्रीका के बीच का प्रवेश द्वार है। यह भूमध्य सागर तट पर उत्तर पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है। इसके उत्तर पूर्व में टूनेशिया, पूर्व में लीबिया, दक्षिण पूर्व में नाइजर, दक्षिण पश्चिम में माली, मॉरिटानिया और पश्चिमी सहारा, दक्षिण की ओर मोरक्को और उत्तर में भूमध्य सागर द्वारा अपनी सीमा साझा करता है। इस देश की राजधानी का नाम अल्जीरियस है और साथ ही यहाँ इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। वहीं इस देश में बोली जाने वाली आधिकारिक भाषा अरबी है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ प्रिंस और बाबर आदि भाषाएं बोली जाती हैं। साथ ही अल्जीरिया में गाड़ी चलाने की दिशा राइट साइड की है और यहाँ पर कॉल करने से पहले आपको +213 लगाना पड़ेगा। वहीं इस देश में चलने वाली मुद्रा का नाम अल्जीरियन दिनार है, जो भारत देश के 0.53 रुपए के बराबर बैठता है। इस देश की कुल आबादी में से 72% लोग शहरों में तो 28% लोग गांव में रहना पसंद करते हैं और इस देश के लोगों की औसतन उम्र 28 साल की है। अल्जीरिया में महिलाएं और पुरुष दोनों ही बहुत अट्रैक्टिव माने जाते हैं। यहाँ के लोगों के बीच में पेंटिंग करना, डांस करना और पार्टीज करना बहुत ही पॉपुलर है। वहीं इस देश में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खेल फुटबॉल है। दोस्तों, आज के दिन दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी रियाद महरेज भी इसी देश से हैं। साथ ही अल्जीरिया ने 1964 से अब तक हर ओलंपिक में भाग लिया है। हाल में हुए टोक्यो ओलंपिक में भी इस देश ने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिनमें से 2 फीमेल और 3 मेल ने जीते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्जीरिया की लड़कियों को बहुत ही खूबसूरत माना जाता है और इनकी आंखें बहुत ही नशीली होती हैं और जो इनकी खूबसूरती को देख लेता है वो इनका दीवाना हो जाता है। हालांकि दोस्तों, अल्जीरिया का इतिहास इतना भी सुखद नहीं था। इस देश ने 5 जुलाई 1962 को फ्रांस से आजादी पाई और इस देश पर 300 सालों तक फ्रांस का अधिकार रहा। अल्जीरिया इस समय अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है और इससे पहले सूडान अफ्रीका का सबसे बड़ा देश हुआ करता था, जो कि 2011 में 2 हिस्सों में बट गया। उसी समय से अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क बन गया। और दोस्तों, बंटवारे के बाद इस देश में टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ गया। इस देश का नेचुरल लैंडस्केप बहुत ही ज्यादा कमाल का है। आपको बता दें कि प्राचीन काल में अल्जीरिया को सल्तनत नोमीडिया के नाम से जाना जाता था। साथ ही इस देश का राष्ट्रीय पशु फेनिक फॉक्स है, जिसे लोमड़ी भी कहते हैं। वहीं अल्जीरिया के राष्ट्रीय ध्वज में 2 रंग है, हरा और सफेद, जिसमें चांद तारे हैं। दोस्तों, अगर आपको शराब पीने की आदत है तो अल्जीरिया में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ बहुत ही मुश्किल से दारू मिलती है। वैसे यहाँ शराब पीना तो मना नहीं, लेकिन यहाँ के लोग खुद शराब पीना पसंद नहीं करते और इसे गलत मानते हैं। शराब ना सही, इस देश में आपको मिंट टी का स्वाद हर रेस्टोरेंट में मिल जाएगा, क्योंकि पुदीने वाली ये चाय अल्जीरिया में लोगों को बहुत ही पसंद है। वहीं दोस्तों, चाय पीने के साथ साथ इस देश के लोगों के बीच में नॉनवेज खाने का बहुत ही क्रेज है। वहीं यहाँ के लोग सबसे ज्यादा मटन खाना पसंद करते हैं और बिरयानी लोगों की पहली पसंद है। आपको बता दें कि अल्जीरिया के 98% लोग मुस्लिम हैं और बाकी बचे लोग अन्य धर्मों के यहाँ रहते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की 70% महिलाएं बाहर जाकर काम करती हैं। खास तौर पर जज और लॉयर यहाँ पे सबसे ज्यादा महिलाएं ही हैं। अल्जीरिया में महिलाएं पुरुषों की तुलना में घरेलू उत्पादन में ज्यादा आय कमाती हैं। आपको बता दें कि यहाँ पुरुष 4-4 शादियां कर सकते हैं। दोस्तों, इस देश का लगभग 90% हिस्सा सहारा रेगिस्तान से घिरा हुआ है। वास्तव में अल्जीरिया में सिर्फ 10% भूमि पर ही लोग बसे हुए हैं। चारों तरफ रेत से घिरे हुए रहने के कारण इस देश में किसी भी प्रकार की खेती नहीं हो सकती। ऐसे में ये देश प्राकृतिक गैस और तेल के एक्सपोर्ट पर ही निर्भर है। इस देश में भी अन्य अरब देशों की तरह पेट्रोल की कीमत पानी से कम है।
दोस्तों अगर इस देश के क्षेत्रफल की बात करी जाए तो यहाँ का कुल क्षेत्रफल 23,82,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं यह देश एरिया के हिसाब से दुनिया का 10वां और अफ्रीका का पहला सबसे बड़ा देश है। वहीं इस देश की आबादी की बात करें तो यहाँ की कुल आबादी 4,51,00,000 के आसपास है, जो दुनिया का 33वां सबसे बड़ा देश है। वहीं इस देश की पॉपुलेशन डेंसिटी 18 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर की है। साथ ही दोस्तों अल्जीरिया की साक्षरता दर 81.41% की है। तो दोस्तों अगर आप सबको अल्जीरिया का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक दे। हम मिलेंगे और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।